जिला कांगड़ा पुलिस कांस्टेबल के 293 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 27 मार्च को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसपी कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने बताया कि 27 मार्च को लिखित परीक्षा को लेकर धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ और नगरोटा बगवा में 27 सेंटर बनाए गए हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 440 कमरों में किया जाएगा। जिला में पुरुष कांस्टेबल के 205, महिला कांस्टेबल के 68 और पुरुष चालक के 20 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए विभाग के पास 49,926 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला कांगड़ा की जो पुलिस की भर्ती हमारी हो रही है, जिसमें कि अब ग्राउंड टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके थे, उसका जो रिटर्न एग्जाम है 293 जो वैकेंसीज के अगेंस्ट, वो 27 मार्च को संडे को जो है वो निर्धारित किया गया है। और इसके लिए हमारे जिला कांगड़ा में लगभग 27 ही हमारे जो है वो एग्ज़ाम सेंटर हमने बनाए हैं, जो कि बैजनाथ से लेके धर्मशाला तक फैले हैं। इसमें विशेष तो यह है कि नगोटा बगवां के जो सेंटर हैं वो सारे सेंटर महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। लगभग 3200 से अधिक महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। बाकी जो पुरुष हैं उनके लिए बाकी जो सेंटर हैं बैजनाथ में हैं, पालमपुर में हैं और धर्मशाला में हैं। इसमें मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम सबको एडमिट कार्ड भेज दिए हैं, सबको मैसेज कर दिए हैं। इसके अलावा कैंडिडेट जब उस दिन आएंगे तो 3 घंटे पहले उनको एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना है फिस्किंग वगैरह के लिए। इनके अगर 12 बजे हमारा एग्ज़ाम का टाइम है तो सुबह 9 बजे तक जो है वो कैंडिडेट वहाँ पर हमारे सेंटर में पहुँच जाने चाहिए। हमने कोशिश की है कि सेंटर मेन हाईवे के आसपास नज़दीक रखें, ताकि जहाँ पे लोगों को सुविधा रहेगी, तो उस दृष्टिकोण से सेंटर का हमने चयन किया है। क्योंकि अभी स्कूलों के एग्ज़ाम भी चले थे तो हमने विशेष ध्यान रखा है कि जहाँ पे बस सुविधा हो और अन्य सुविधाएं हो वहाँ पे ये लोग आएँ। अभी इस एग्ज़ाम के दौरान में सिर्फ आपने अपना एडमिट कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ का फोटो और अपना एक आइडेंटिटी कार्ड, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। चौथी चीज़ आपका बाल पेन है, जो ब्लू और ब्लैक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी वस्तु, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी जैसे कोई स्मार्ट वॉच है, कैलकुलेटर है, आपका कोई स्मार्ट पेन है, इस तरह के कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है अलाउड नहीं। सिर्फ आपने अपना एडमिट कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड और अपना जो आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है वो आपने लेके आना है, और साथ में कार्डबोर्ड आप लेके आएँ, क्योंकि कई जगह बैठने के लिए बेंच नहीं मिलेंगे। आपको जो है धरती में बैठना है तो आपको कार्डबोर्ड वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आप अपना कार्डबोर्ड साथ लेके आएँ। इसके अलावा आप कुछ नहीं लाएं, और किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में शामिल ना हो, किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए कि वो पुलिस में आपकी हेल्प कर लेगा, कोई इम्पर्सोनेशन करने का प्रयास ना करें। पहले भी मामले दर्ज हुए हैं, तो सभी से निवेदन है कि आप अपने तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दें। सीसीटीवी कैमरा जहाँ कई जगह हमारे पास हैं, बाकी जगह वीडियोग्राफी कर रहे हैं और हम जैमर लगा रहे हैं, और धोखाधड़ी को रोकने के लिए और ख़ास करके जो ये डिफरेंट गैजेट्स लोग यूज़ करते हैं उसके लिए जैमर्स का प्रयोग किया गया है। लगभग 20,104 कैंडिडेट जो हैं हमारे रिटर्न एग्ज़ाम में बैठे।